आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य कार्यक्रम हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको प्रस्तुत करते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर आपको सनातन सत्य बताते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं और इस ब्रह्मांड की जो वास्तविक रियलिटी है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रस्तुत करने का कारण ये है कि हम आपको शाश्वत सुख देना चाहते हैं, यानी ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आए नहीं है। ये हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं, नई नई विधाएं, नए नया चिंतन, नया भावधारा, नया एपिसोड लेते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि निज की पहचान। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, खुद को बहुत कम जानते हैं। हम अपने आप को दुनिया की गज से नापते हैं और दूसरे को अपनी गज से नापते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक दूसरे की गज से क्यों नापा जाए, स्वयं को समय की गज से नापा जाए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। दूसरे को दूसरे की नज़र से नापा जाए, यानी अपना अपना व्यू पॉइंट उपयोग में लेना चाहिए। एक दूसरे के व्यू पॉइंट का जो है हमें अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ एक व्यू पॉइंट से सही होती है और दूसरे व्यू पॉइंट से वो गलत भी हो जाती है। हर एक के अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं और जब ये व्यू पॉइंट्स मिलते हैं तो सारे व्यू पॉइंट्स मिल कर के फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ बनाते हैं, जिसको कि हम केवल ज्ञान कहते हैं। और जब वो एब्सोल्यूट ट्रुथ किसी को मिल जाता है तो भुवन भास्कर का उदय होता है और भुवन भास्कर के उदय से सारी पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है। उसी तरीके से वो स्व पर प्रकाश प्रकाशक आत्मा जो है वो वीतराग बन कर के और वो भूत भविष्य वर्तमान और जो है जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने लग जाती है। वही आपका निज स्वरूप है। जिसकी पहचान की हम बात करते हैं वह निज स्वरूप का लेखा जोखा हमने आपको बताया कि आपका जो निज स्वरूप यानी जो आपकी मूल आत्मा है, जो परमात्मा रूप में आपके भीतर विराजमान है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और वह ज्ञाता दृष्टा है, वह जानने वाला है, देखने वाला। देखिए कि मूल स्वरूप में तो परमात्मा है लेकिन उसके पहले भी उसकी अवस्थाएं होती है। तो आत्मा की कुल तीन अवस्थाएं हैं। आत्मा तो वही है लेकिन उसकी पहली अवस्था है वो बहिर आत्मा या जीवात्मा है। जब कोई भी व्यक्ति जो है साधारण रूप के अंदर सामान्य व्यक्ति की तरह बहिर आत्मा होता है, जीवात्मा होता है, तो वह अपने स्वार्थ की सीमित रहता है और उसकी मानसिकता हो जाती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, यानी मेरा काम हो गया, अब मुझे क्या लेना देना। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगले वाले का कितना ही बड़ा नुकसान हो जावे, उसकी जान चली जाए, उसको कोई चिंता नहीं होती है, बस उसका स्वार्थ पूरा हो जाना चाहिए।
क्योंकि वह जो है स्वार्थ की चेतना वाला व्यक्ति है। एक दृष्टि से स्वार्थ की चेतना अच्छी है, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, देश है, समाज है, उन सब में हमको कंट्रीब्यूट करना होता है, स्वार्थ की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और इन सब सुविधाओं को जुटाने के लिए हमको कमाना पड़ता है, स्वार्थ की आवश्यकता होती है, तो अच्छा है। लेकिन स्वार्थ जब अति हो जाता है तब वो व्यक्ति स्वार्थी की परिभाषा में आ जाता है, वो परार्थ की चिंता नहीं करता है, वो परस्परोपद्रव जीवा नाम और मैं भी जीऊँ दूसरे भी जीवे, लिव एंड लेट जीव के फार्मूले को नहीं मानता, उसमें उसकी श्रद्धा नहीं होती है, तब वह एक स्वार्थी व्यक्ति गिना जाता है। तो इसीलिए जो है निज, ये पहला हमारा स्टेज हो गया कि बहिरात्मा या जीवात्मा और वही आत्मा जब ज्ञानी पुरुष के मिल जाने के कारण, सद्गुरु मिलने के कारण जो है, ज्ञान ले लेने के कारण में जब उसको जो है अंतरात्मा बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, वो अंतरात्मा बनना चालू हो जाता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आता है, वो परार्थ की चेतना में चला जाता है। अंतर क्या आता है, लिव एंड लेट का अंतर आता है कि मैं जीऊँ और विश्व के सभी जीव जिए, वो ये चिंतन करने लग जाता है कि जो कुछ भी व्यक्ति जन्म लेता है, कोई मरना नहीं चाहता और कोई दुख नहीं चाहता है, तो मैं किसी को क्यों दुख दूँ, यानी वो लोक कल्याण, परोपकार और जगत कल्याण की भावना के अंदर लग जाता है, परार्थ की चेतना उसमें जागृत हो जाता है कि भाई मैं जितना मेरा स्वार्थ है दूसरे को भी उतना स्वार्थ करने का जो है वह उसको अधिकार है, तो वो दूसरे के कार्यों का इंटरफियर नहीं करता और दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता, दूसरों के साथ के अंदर वह दुर्व्यवहार नहीं करता, दूसरों के साथ वो अन्याय नहीं करता और धीरे धीरे जो है वो अंतरात्मा बन जाता है। अंतरात्मा बनने के बाद वो परमात्मा की ओर जाता है और परमात्मा है वही निज स्वरूप का पहचान है। निज की पहचान करना ही परमार्थ स्वरूप में जाना होता है और परमार्थ में जाने वाला व्यक्ति जो है सारी स्वार्थ की चेतना और परार्थ की चेतना को ऊंचा बना देता है, जो 24 आवर्स जो है वह जगत कल्याण के लिए जाता है, वह जीवों के भले के लिए जाता है और वह वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन कर रहा है कि हम सभी भाई भाई हैं और हम एक वसुधा की संतान है, एक वासुदेव की संतान है, तो वो भाईचारा हमें करना चाहिए। वहाँ से भाईचारा मुखरित हुआ कि भाई भाई के प्रति प्रेम करे, भाई भाई का सहयोग करे, तो वहाँ से भाईचारा बना और वहाँ से जो है ये समाजवाद बना और सारा शिष्टाचार बना, तो मानवतावाद बना, मानव धर्म बना। तो भाइयों और बहनों, ये जो परमात्मा बनने का उपक्रम है, ये निज स्वरूप को प्राप्त करने का उपक्रम है। अब ये प्रश्न ये है कि हम इस जीवन में निज स्वरूप को कैसे प्राप्त करें, हम जो है अंतरात्मा से परमात्मा कैसे बने, तो उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल सूत्र आपको देना चाहता हूँ। वैसे तो कई सूत्र हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूत्र वह होगा जो कि हमारा परमात्मा बनने के बीच में जो बाधक तत्व है, यानी जो आश्रव है। आश्रव का अर्थ ये हुआ कि पाप आने का द्वार, हम किसी भी जो हमारी एक टंकी है उसके अंदर एक नाला होता है, तो नाला होने की वजह से अगर उसके अंदर उसके खराब और अच्छा दोनों तरह के पानी आ सकते हैं तो वो आश्रव कहलाता है। और आश्रव 5 तरीके कहे गए, मिथ्या, त्वरति, प्रमाद, कषाय, रोग। मिथ्यात का अर्थ होता है असत्य, झूठ, जो है सच्चे को झूठा समझना, झूठे को सच्चा समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, जीव को अजीव समझना, साधु को असाधु समझना, इस तरह की विरोधी मानसिकता हो जाती है तो मिथ्यात्व हो जाता है, वह झूठा व्यक्ति होता है। अविरति का मतलब जो धार्मिक क्रिया है, जो आत्मशुद्धि की क्रिया है, निज स्वरूप को पहचान करने की जो क्रिया है, वो ज्ञाता दृष्टा बनने जो क्रिया है, अकर्ता बनने की क्रिया है, उसमें वह अविरति इंटरेस्ट नहीं लेता है
और उसके विरुद्ध मनोरंजन की जो क्रिया है, जिसके अंदर मन का रंजन करने की बात होती है, वह सब क्रिया जो है वो उल्टी क्रिया तो जो करता रहता है, आराम से नींद लेना, दूसरों की निंदा करना, जो सरल सरल स्वाभाविक कार्य वो करने लग जाता, विरति हो जाती है। और प्रमाद का अर्थ होता है कि धार्मिक क्रिया निज स्वरूप को पहचानने की और रियल पुरुषार्थ की बात है, सनातन सत्य को जानने की बात, स्वाध्याय करने की बात है, उसके अंदर प्रमाद करता है, उसमें सोता है और उसके अंदर जो वो समय वेस्ट करता है, तो मिथ्यात् अविरति प्रमाद और कषाय क्रोध अहंकार माया लोभ का शमन नहीं करता है, उसको बढ़ाता रहता है, तो वो कषाय है। और मन वचन काया की प्रवृत्ति को हम योग कहते हैं, तो बाहर से जो है वो मन वचन काया के जो परमाणु खींचे जाते हैं, तो उन परमाणुओं के खींचे जाने से जो है वो हमारे भीतर जो राग द्वेष है वह और वृद्धिंगत हो जाता है। तो ये मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय और योग है, इन सब से जो है दूर रहना, इनकी दिशा को बदल देना, इनकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आ जाना है, ये सारा निज स्वरूप को पहचानना होता है। और ये जो है सारा, हम जो है वहाँ से संवर की अवस्था में आते हैं, यानी हमने आश्रम का जो नाला खोला है उसको हमने बंद कर दिया। संवर का अर्थ होता है प्राणी मात्र के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना, प्राणी मात्र को दोषित नहीं समझना, प्राणी मात्र को जो है दुख नहीं पहुंचाना, ये सबसे बड़ा संवर है। संवर एक साधना है और उसकी निष्पत्ति जो है उसका जो परिणाम है वो निर्जरा है। भगवान ने यही दो धर्म बताए, संवर और निर्जरा। और जो भी हम हर संवर के साथ में निर्जरा ऑटोमेटिक जुड़ी होती है, वो आती ही है। हमने जब संवर किया, त्याग किया, पचकान किया और प्राणियों को दुख देना बंद कर दिया और सबको आत्मतुलावत समझते रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो हमारी कॉजल बॉडी है वह धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कर्म झरने लगते हैं, कर्म निर्जर होते हैं, तभी इसका नाम निर्जरा है। और वो आंशिक निर्जरा सब बढ़ती बढ़ती जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तो संपूर्ण निर्जरा होने के बाद के अंदर आत्मा जो है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। देखिए संपूर्ण निर्जरा का जो है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मधुमक्खियाँ जब जो अपना सबसे पहले जाल बनाती है, जिसके ऊपर वो पराकण ला करके इकट्ठा करती है, तो जो जाल बनाया जाता है वो उस जाल को देखो आप कि उस पर कोई परमाणु नहीं है, वो एकदम शुद्ध आत्मा का रूप होता है। लेकिन जब धीरे धीरे जो है उसके ऊपर पराकण ला के इकट्ठा करती है और उसको एक समय मिलता है, तो समय के साथ पक करके पराकण है वह शहद बन जाता है। और शहद जब धीरे धीरे सारी टपक जाती है, टपक जाने के बाद पुनः जो है वो सूखा हुआ बन जाता है सारा, जो वो लेकर के आई थी वो घोंसला टाइप, वो जब वो सूखा हुआ पुनः अपनी स्थिति पर आ जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है इन धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ में अपनी कॉजल बॉडी को धीरे धीरे रिड्यूस करने लग जाते हैं, उसके जो है कॉजल बॉडी के जो भी हमारे जो है वो उसके जो है कर्म झड़ते रहते हैं, उसका घनत्व कम होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, क्यों? तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो ये निज स्वरूप है, निज स्वरूप के लिए जो मैंने 5 सूत्र आपको बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, जिससे कि हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो है भावक क्रिया, यानी आप ये सूत्र का ऐसे मनन करो कि आप जो कुछ भी करते हो वो वर्तमान में जी करके करो, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोना बैठना, ईश्वर प्राणिधान करना, सामायिक करना और गुरु दर्शन करना, ईश्वर के दर्शन करना, जो जो कार्य करो मन उसी में लगा के रखो। जब मन आपका एक ही जगह रहेगा तो मन भटकेगा नहीं और आपके जो विचार इधर उधर जाएंगे नहीं, और आपके वो खूंटे बन जाएगा मन, और आप जो है निश्चिंत होकर के और कंसंट्रेट होकर के निज स्वरूप का जो है वह आप देखते रहोगे, उसकी प्राप्ति करते रहोगे। तो इस तरीके से जो है ये सारा हमें
निस्वरूप प्राप्त करने का पहला सूत्र है कि वर्तमान में जीना वो भावक क्रिया कराती है, कहलाती है। और दूसरा जो सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। आज दुनिया में जितने छोटे बड़े झगड़े टंटे आप सारे आप देखोगे, अवलोकन करोगे, शोध करोगे, तो आपको मालूम होगा कि वो प्रतिक्रिया से हुआ। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है एक व्यक्ति ने किसी को गाली दी तो वह प्रतिक्रिया करके दो गाली दे देता है, चार गाली दे देता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। और वो सिलसिला कहाँ तक पहुँच जावे कि दो व्यक्तियों के बीच के अंदर प्रतिक्रिया चली तो वो चलते चलते दो गुट बन गए, तो कॉम्युनल जो है राइट्स हो गए, वो पुलिस आ गई। और जब वो सारी बातों के अंदर पुलिस को जो है वो सारा केस जो है न्यायालय को भेजना होता है, वह उसके लिए अधिकारी नहीं है दंड देने की, तो वो न्यायालय के अंदर जब केस चल जाता है तो दोनों पक्ष जो वकील करते हैं, गवाह करते हैं, और वकीलों की बहस होती है, और 10-20-30 साल का समय लगता है, और गवाहों की साक्षी के ऊपर इतने लंबे समय के अंतराल के बाद में जज वही जो है वो निर्णय देता, जो हम प्रारंभ से ही ले सकते थे उस निर्णय को, समय समय और श्रम और धन का बहुत बड़ा अपव्यय हुआ हमारा, इतना समय वेस्ट किया और दूसरी जगह लगाते तो समय उपयोगी होता। तो ये हमारा भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति। और तीसरा जो है मैत्री, भगवान जो है वो महावीर ने कहा कि ये जो मैत्री का सिद्धांत है उसका पालन करो। उन्होंने कहा कि मुझे मानने और जानने से केवल कुछ नहीं होगा, आप जो मैंने रास्ता जो अख्तियार किया है, मैंने 12.5 वर्ष की जो तपस्या की है, वो सारी मेरी तपस्या है, वह ज्ञाता दृष्टा की तपस्या है, वो निज स्वरूप के पहचान की जो है तपस्या है, तुम वो स्वयं करो, अपने निज स्वरूप को पहचानो। तो उन्होंने जो है वह दीक्षा लेते ही उनको चौथा जो है मनोप्रयोग ज्ञान हो गया, और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान से देखा कि मेरे जो कर्म और जो है 23 तीर्थंकरों के कर्म से भी ज़्यादा मेरे कर्म भारी है। तो उन्होंने वो सरे इस शरीर का त्याग कर दिया और उन्होंने जो है वो ज्ञाता दृष्टा बन गए। उन्होंने एक पुद्गल के ऊपर ध्यान किया, पूरे उस पुद्गल के ऊपर इतनी शक्ति लगाई, एकाग्रता लगाई, वर्तमान में जिए, तो उन्होंने जो है उस पुद्गल के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। और उन्होंने बताया कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिन्होंने एक आत्म तत्व को जो कि संपूर्ण विश्व का सबसे जो है वह शक्तिशाली तत्व है, उसको जान लिया, यानी पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और पूरे ब्रह्मांड को अगर उसने जान लिया तो जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो ये पिंड है वह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो कि ब्रह्मांड में कोई पिंड में वो ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे 5 जो है वो घटक है, वो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जिनसे ब्रह्मांड बना है, और ये जो है हमारा पिंड भी 5 सूत्रों से बना हुआ है, और उसके अंदर वो जो आपका 3 तरह के जो है वो गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, वही शरीर के अंदर है। तो हम इस शरीर में उस पिंड का प्रतिरूप, उस जो है ब्रह्मांड का प्रतिरूप होने के कारण में अपने निस्वरूप की पहचान करके हम स्वयं जो है परमात्मा बन सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं, जैसे भगवान महावीर बने, भगवान बुद्ध बने और 24 तीर्थंकर बने। तो ऐसी प्राप्ति करने के लिए जो मैं 5 सूत्र आपको बताता हूँ वो हृदयंगम करना चाहिए और हर समय हमें याद करना चाहिए। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रियता विरति, मैत्री, और सब जीवों के साथ में हमें मैत्री करनी चाहिए, आत्मतुलावत रहना चाहिए, और ताकि कि हम मित्रता रखेंगे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। तो इसीलिए एक सूत्र को हमेशा याद रखो कि खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन के नहीं, यानी मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, समस्त जीव मुझे क्षमा करे, सभी मेरे मित्र है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जब हम ऐसी आत्मतुला की भावना से चलते हैं तो इसका अर्थ ये कि हमारा सारा प्रयाण है निज स्वरूप तक ही है। अपने आप को पहचान करने के बाद में हमें किसी को भी पहचान
करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिसने संपूर्ण रूप से अपने आप को पहचान लिया उसे कुछ भी करना शेष नहीं है। वह 360 डिग्री पर पहुंच गया, वो केवल दर्शन की अवस्था में पहुंच गया, और केवल दर्शन के बाद में अगला जन्म वो केवल ज्ञानी के रूप में जन्म लेता है और वहाँ पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ केवल परिणाम होता है और उस जन्म में उसको जो है केवल ज्ञान मिल जाता है और वह इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वयं प्रभु बन जाता है, भगवान महावीर जैसा बन जाता है और वह देश ना देना चालू कर देता है, वह केवली हो जाता है। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, निज स्वरूप की पहचान करना वैसे बहुत सरल है और वैसे बहुत कठिन है। तो इसके स्वरूप की पहचान करने के लिए सनातन सत्य के जो मुख्य दो जो हमारे सिद्धांत है वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आप जो पहला सिद्धांत का ये पालन करें कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉय कुदरत भी है और वह उस जो है जीवित आत्मा के जैसे जैसे संयोग होते हैं, जैसे जैसे उसका उपादान होता है वैसे जो है वो ला करके संयोग खड़े कर देती है। सारा संयोग खड़ा करने का काम जो है वो हमारी कुदरत का है और कुदरत ही उसको ला करके खड़ा करती है। मान लीजिए पूर्व जन्म में किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, 50,000 रुपये खा गए, तो इस जन्म के अंदर ये कुदरत के अधीन होने के कारण कुदरत उस आत्मा को जिसके 50,000 खाए वो उसको बेटे के रूप में, भाई के रूप में और जो है उसको मांगने वाले के रूप में लाके खड़ा करेगा और वो उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। और इस तरीके से 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान के प्राणियों जिन जिन के साथ के अंदर हमने कहीं पर भी संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी को दिल दुखाया, किसी के प्रति अमंगल की भावना की है, किसी को दुख दिया है, तो वो हम उसका प्रतिक्रमण आलोचना प्रतिक्रमण और जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा। तो हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए इस संसार के सब जीवों को हमें निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्म तत्व मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, ये जरूरी है। और निज स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए जो 5 सूत्र बताए गए हैं कि पहला तो भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री मित भाषण और 5वां है वो मिताहार, कि जैसा अन्न वैसा मन हमारा संबंध है हमारे भावों से और भाव पैदा होते हैं वो विटालिटी सर विटालिटी पैदा होती है भोजन पानी और दूसरा हमारी ये जो है वो प्राण वायु और सूर्य की रोशनी अग्नि। जब ये 4 तत्वों से विटालिटी ऊर्जा होती है तो वह ऊर्जा है वह तेजस शक्ति है, वह शक्ति जो है हमारे मन वचन काया की हर प्रवृत्ति के लिए काम आती है। तो इसीलिए जो है निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमको जो है बहुत प्रयास करना चाहिए, हमें अटल रहना चाहिए और जब हम वो श्रद्धा के साथ में सबूर यानी धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो ये वपन किया गया है ये हमारे इस जो है जीवन के अंदर जो आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करने का ज्ञाता दृष्टा का या केवली बनने का तो वह स्थान हम धीरे धीरे पा लेते हैं। तो अतः हम निष्कर्ष की भाषा में कह सकते हैं कि जो है हमारे निज स्वरूप की पहचान करना वैसे बहुत कठिन है और वैसे बहुत सरल है। और वो पहचान कैसे होती है और उसका हमको पहचान हुई या नहीं उसका मैं थर्मामीटर आपको देना चाहता हूँ कि आपको समय समय के ऊपर जब आप उपासना कर रहे हो तो आपको ये चिंतन करना चाहिए कि अपने आप का थर्मामीटर लगा करके मेरा क्रोध कितना कम हुआ, मेरा अहंकार कितना कम हुआ, मेरी माया कितनी कम हुई और मेरा लोभ कितना कम हुआ। जब हम इस तरीके से ये देखते जाएंगे तो हमारा फायदा ये होगा कि कार्मण शरीर और जो हमारा भीतर जो एम्बेडेड है हमारी आत्मा के साथ में तो वो एम्बेडेड होने के कारण वो धीरे धीरे भीतर की ओर शुद्ध होता जाएगा और हम अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे। वास्तव में कोई कहे कि आत्मा को हमें हाथ पर दिखाओ तो वो संभव नहीं है,
आत्मा तो अनुभव जन्य है, आप इसी क्षण आत्मा का जो अपने विवेक की जागृति का स्मरण करो तो आपको पता पड़ जाएगा कि वास्तव में मेरा निस्वरूप क्या है और वह निस्वरूप किस रूप में होना चाहिए। तो जो हमारे बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी पुरुष जो है हमको स्वरूप की परिभाषा देते हैं, स्वरूप को जो है वो हमें वो दिखाते हैं, तो ऐसे चीज़ों के अंदर हमें जो है उन लोगों को भी जागृति करके और हमें जो अपने निज स्वरूप की जागृति होना चाहिए। तो अतः निज स्वरूप की जागृति के लिए हम ही आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है व्यक्ति को रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जहाँ पर रिलेटिव पुरुषार्थ है वहाँ पर तो हमारे साधन सत्ता संपत्ति संबंध है उसके साथ जुड़े रहे और उस सिस्टम की रक्षा करना है, ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ कहा जाता है। और रियल पुरुषार्थ होता है कि केवल केंद्र को आत्मा में रखना, केवल चेतना को आत्मा में रखना और केवल जो है वह हमारा जो जो जन्म है उसको अच्छा बनाए रखना। तो हम जो है वह अपने केंद्र के अंदर आत्मा का व्यू पॉइंट रख करके और आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। आज का भी हमारा विषय भी यही है कि हमें आत्मदर्शन होने चाहिए। तो आत्मदर्शन होने के लिए हमें पहले जो है अपने भीतर कषाय को जो है हमारे भीतर जो अहंकार है उसको शून्य करना पड़ेगा और जब अहंकार समाप्त हो गया तो फिर जो है हमें अपने प्रज्ञा जगत के अंदर जो हमारी प्रज्ञा बहन है जो कि मोक्ष की अभिलाषी है उसका सहयोग करना चाहिए। मुझे हमें कभी भटकाती नहीं है। निस्वरूप के पहचान के अंदर हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान है उसका जो है वह सहयोग बहुत ही अपेक्षित है और वो सारा जो पुरुषार्थ है वह प्रतिष्ठित आत्मा करती है। तो हमारी प्रज्ञा जिसकी हम बात कर रहे थे वह भी प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से करवाती है। तो उसका जो मुख्य जो है हमारी जो है ये प्रज्ञा है उसका लक्षण ये होता है कि वो हमेशा जो है वो सत्य की बात कहती है। तो प्रज्ञा जब कभी भी हम जो है पुरुष होने के बाद में प्रकृति से हम लुभाने वो चालू हो जाते हैं तो लुभाने चालू होने के कारण जो है हम दूषित हो जाते हैं, हम कर्मजन्य हो जाता है और उसी दूषित भावना को जब हम हटाने लग जाते हैं तो हमें निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इन ऐसी दूषित चीज़ें जो कि हमने इकट्ठी कर ली है तो जब तक हमको दूषित चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं हमें निज स्वरूप की प्राप्ति होना संभव नहीं है, अपनी पहचान संभव नहीं है। अतः भाई और बहनों हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा कार्य होता है अपने खुद की पहचान करना और सबसे कठिन कार्य है, लेकिन इसको सरल और सरलतम बनाया जा सकता है कि हम जो है निज स्वरूप की पहचान करने के लिए जो है अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहें और हमारा जो निज स्वरूप है हरि अनंत हरि कथा अनंत है तो उस अनंत हरि की उसके स्वरूप की हम जानकारी करें कि वह स्वरूप कैसा है और उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमने जो भी सिद्धांत आपको बताए जो कुछ भी हमने सूत्र लिए उनका पालन करके और निज स्वरूप के अंदर जो है हमको आना चाहिए। तो हम जो है निष्कर्ष के रूप में यही कहना चाहेंगे कि निज स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए भेद विज्ञान कीजिए, आप जो है दृष्टि विज्ञान कर कीजिए और आपकी जो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीव करिए, आप अंतरात्मा से परमात्मा बनिए। तो सभी लोगों के प्रति शुभकामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनको प्रेम मिले, उनको सद्भावना मिले, उनको मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।